हे गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपने वीडियो में ग्राफिक्स और वीडियो को कैसे ऐड करना है। आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, जैसे बोलते हैं, जैसे कोई एग्जांपल देते हैं तो एक इमेज आप लगा सकते हैं तो इमेज दिखाई देगा लेकिन आपका चेहरा नहीं दिखाई देगा, तो ये एडिटिंग कैसे होती है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। ऐसे वीडियो देखने के लिए और अच्छी अच्छी एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाइस गाइस, आपको साइड में स्क्रीन दिख रही है, जो मैं अपने फ़ोन में करूंगा आपको साइड में दिखेगा। तो सबसे पहले आपको कैपकट को डाउनलोड करना है। अगर अभी तक आप कैपकट को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसके ऊपर वीडियो बना दिया हूँ कैपकट को कैसे डाउनलोड करना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं कैसे कैपकट को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आपको कैपकट पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, जो वीडियो आप एडिट करना चाहते हैं, यहाँ फोटो है, यहाँ वीडियो, वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगा, फोटो पर क्लिक करेंगे तो आप सारा फोटो खुल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करना, जो वीडियो आप एडिट करना चाहते हैं यहाँ सेलेक्ट कर लेना इस वीडियो को और यहाँ से ऐड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ दिखा देता हूँ आप सबसे पहले वीडियो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टाइम लाइन के बारे में। अगर आप एडिटिंग, जैसे यहाँ देखिए मैंने टाइम लाइन के बारे में बोला तो ये इमेज आ गई। ठीक है, मैं आपको पूरा वीडियो दिखा देता हूँ। अच्छे से आपको टाइम लाइन के बारे में नॉलेज होना चाहिए तब एक अच्छी वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। कब क्या ऐड करना है, कब किसको डिलीट करना है, कब किसको ऐड ओनली करना है, ये सब देखिएगा। इस यहाँ आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, जैसे मैंने टाइम लाइन के बारे में बोला एक इमेज लग गई। टाइम लाइन जैसे यहाँ देखिए टाइम लाइन, या देखिए एक इमेज लग गई। इसको कैसे लगाना है, जहाँ आप टाइम लाइन बोलते हैं, जो शब्द आप जिस टाइप की इमेज लगाएंगे उसके बारे में अगर आप बताते हैं तो ये जो हमारा व्हाइट कलर का ऐसे लगा इसको बोलिए टाइम लाइन। ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया हूँ, तो आप वीडियो जो हमारी वीडियो ये वाली समाप्त होगी एंड स्क्रीन में लास्ट में लगा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं टाइम लाइन के बारे में आप अच्छे नॉलेज मिल जाएगा अगर इस वाली वीडियो को आप देख लेते हैं। ठीक है, टाइम लाइन जैसे मैंने यहाँ टाइम लाइन, जैसे मैंने बोला टाइम लाइन, तो आपको यहाँ एक इमेज लगाना है, तो यहाँ पे वाले पे क्लिक करना, ऐड वाले पे क्लिक करना, यहाँ फोटो पे क्लिक करना, इस इमेज को यहाँ से ले लेना है। तो इसको क्या करना है, इसको जूम कर लेना है, ये देखिए, और इसको छोटा कर लेना है। टाइम लाइन के बारे, अगर आप एडिटिंग करते, जैसे मैंने बोला एडिटिंग करते तो अब मुझे क्या करना है, एक एडिटिंग का इमेज लगाना है। ऐड वाले पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं एडिटिंग का ले लेता हूँ ये वाली इमेज। इसको क्या करना है, यहाँ देखिए फिंगर यहाँ पे करना है और फिंगर को ऐसे करना है, ये देखिए सेट हो गई। ठीक है, इसको अच्छे सेट करना, ये देखिए एडिटिंग के बारे में मैंने यहाँ क्या किया, इसको जहाँ तक मैं बोलूँगा वहीं तक इसकी इमेज रखना है। एडिटिंग करते हैं अच्छे से आपको, जैसे यहाँ देखिए मैं अच्छे सेट कर देता हूँ। आप एडिटिंग करते हैं जहाँ मैं एडिटिंग बोलता हूँ इस इमेज को वहाँ सेट करूँगा। यहाँ देखिए दबा के फिंगर से आप जहाँ ले जाके इसको छोड़ देंगे वहाँ सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ छोड़ दिया, इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा टाइम लाइन पर, ये देखिए सेट हो गया। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी थोड़ा सा मैं इसको इमेज साइज बढ़ा देता हूँ। एडिटिंग करते हैं अच्छे से आपको टाइम लाइन के बारे में नॉलेज होना चाहिए तब एक अच्छी वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। कब क्या ऐड करना है, कब इसको डिलीट, जैसे हमने डिलीट बोला तो यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है जहाँ डिलीट बोलते हैं, वहाँ आपको एक डिलीट की इमेज लगाना है। ऐड वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप आएंगे, ये डिलीट की इमेज है, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे इस इमेज को मैं यहाँ सेट कर दूंगा। आप अपने हिसाब से जूम जूम आउट कर सकते हैं, ये देखिए इसको क्या करना है, छोटा कर देना। कब इसको डिलीट करना है, कब इसको ऐड ओनली करना है, ये सब। तो गाइस अभी तक मैंने आपको बताया हूँ यहाँ आप इमेज या फोटो ऐड करना है। अगर आप एडिटिंग करते हैं तो गाइस, अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं तो आपको ऐड वाले पे क्लिक करना है, यहाँ वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ जो वीडियो आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे आप लगा देना। जैसे इस वीडियो को मैं लगाना चाहता हूँ, इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो को आपको जितना ज़रूरत है यहाँ रख सकते हैं, जैसे मैं इसको कट कर देता हूँ इस साइड का, यहाँ पर ये देखिए। देखिए जैसे मैंने ये वीडियो को ऐड किया, देखिए यहाँ पे इनका चेहरा ढक जाता है मेरा,
यहाँ देखिए किसी दूसरे के चेहरा आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ फोटो और वीडियो को कैसे आप अपने वीडियो में ऐड करना चाहते हैं, तो आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा से कमेंट करना। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।